हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत ही दुखी और नाराज़ मन से यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं एक टीचर हूँ, बहुत पैशनेट हूँ अपने काम के प्रति, लेकिन आजकल टीचर होना, स्पेशली सरकारी स्कूल में टीचर होना एक गुनाह हो गया है। जिसे देखो वही टीचर्स के ऊपर भद्दे रिमार्क्स पास कर रहा होता है, जिसे देखो वही कोई उल्टी सीधी बात कहकर एक वीडियो बना लेता है और फिर वो सारे में फैल भी जाती है। कभी कोई वेजिटेबल वेंडर कह रहा होता है इन मास्टरों की तो सैलरी कम कर देनी चाहिए, कभी राह चलते लोग डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर देते हैं हमारे ऊपर। एक दिन लड़कियों को एक टूर पर लेकर जा रहे थे तो पीछे से एक मेड की आवाज़ आई, 50-50 हज़ार लेके जा रही हैं ये मास्टरनियाँ अपने घर, खैरात मिलती है हमें। किसने बताई हैं इनको ये बातें और इन सब बातों का मकसद क्या है? क्या बात है भाई, क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब चाहते क्या हैं आप? बदतमीजी की इसी कड़ी में एक ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हो रहा है। एक नहायत ही वाहियात किस्म का वीडियो है जिसमें कि एक वकील साहब हैं, एक बंद से कमरे में चंद औरतों को लेकर वो बैठे हुए हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का इवैल्यूएशन करवा रहे हैं उनसे, फ्री सोशल सर्विस। एक ही वुमेन है जो कि अपने विचार व्यक्त कर रही है कि टीचर्स को कैसे तैयार होकर आना चाहिए, कैसे कपड़े पहनकर आना चाहिए। मतलब इतना गिर गया है हमारा मानसिक स्तर संतुलन कि अब हम एजुकेशन की क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को कपड़ों से इवैल्यूएट कर रहे हैं। वकील साहब को ये बात पता है कि गलत हो रहा है, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उस वुमेन से बात करने की और उसको एनकरेज करने की कि वो बाकी तरीकों से भी टीचर्स को क्रिटिसाइज करे, बट उनका बैड लक, वुमेन स्टिक्स टू द क्लोथ्स ओनली। स्पेशली लेडी टीचर्स पर फोकस है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी इनको या फिर इनकी कोई फैंटेसी होगी लेडी टीचर्स को यूनिफॉर्म में देखने की, क्योंकि अगर नहीं होती तो ऐसी वीडियो बन भी गई थी तो उसको अपलोड तो नहीं करते सोशल मीडिया पर। पर ये तो परिवर्तन का दूत समझ रहे हैं खुद को, अपने आप को परिवर्तन का दूत समझ रहे हैं, उस महिला को अश्योर करा रहे हैं कि आपका संदेश उचित लोगों तक पहुंचा देंगे। उस कम समझ महिला को समझाने के स्थान पर ये तमाम एजुकेटेड नोबल टीचर्स का अपमान करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या एजेंडा है इनका, क्या एजेंडा है इनका? आर्मी, वकालत, टीचिंग एंटायरली डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। ये जो सो कॉल्ड सेल्फ अक्लेम्ड सोशल रिफॉर्मर हैं, उस महिला को ये बात समझाने के स्थान पर उसके विम्स एंड फैंसीज को कैटर कर रहे हैं। वेल, वो वुमेन तो अनएजुकेटेड से लग रही है, उसे तो पता नहीं है कि वो क्या कह रही है, वो किसकी तरफ है, उसे तो हमें माफ़ी कर देना चाहिए। वो तो बेसिकली कुछ भी कह रही है, उसे तो बस कुछ कहना है, क्योंकि आजकल के दौर में टीचर्स को कुछ भी कह देना एक फैशन बन गया है, इट्स ट्रेंडी नाउ। लेकिन इन वकील साहब का कुछ होना चाहिए, क्या इन्हें नहीं पता कि विमेन के कपड़ों के बारे में बात करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? उनके ऊपर ये रिमार्क्स पास करना कि वो किस तरीके के कपड़े पहनकर आए, उनको ये बताना एक जेंडर बायस्ड रिमार्क है, कितना कितना ख़राब लगता है ये। इस तरीके के वीडियो अपलोड करके आप लेडी टीचर्स को हैरेस कर रहे हैं। आप लोग तो क्रिमिनल्स के भी केस लड़ते हैं ये बताकर कि उनकी ह्यूमन राइट्स हैं। आपको हमसे कोई लगाव नहीं है, कानून का रखवाला होकर आप उन्हीं लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो कि देश सेवा के लिए समर्पित हैं। आपकी तो डिग्री जब्त हो जानी चाहिए ताकि ऐसे सीक्रेट मैसेजेस फिर कोई अपलोड करने की ज़रूरत ना कर सके। मैं आपको बता दूँ कि ये टीचर्स के अगेंस्ट वर्चुअल क्राइम है जो आपने किया है। हम कोई पायदान नहीं हैं कि कोई भी आकर हम पर अपने गंदे पैर पहुँचे। आप ज़रूर कोई पॉलिटिक्स इंस्पायर्ड आदमी हैं। आप लोगों का बस यही काम रह गया है कि पहले इस बात की वीडियो बनाते रहते हैं कि पहले टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, अब पढ़ाने लगे हैं, और फिर इस बात की वीडियोस बनाते रहते हैं, उसकी कोशिश में लगे रहते हैं कि देखिए पहले भी नहीं पढ़ाते थे और ये तो अभी भी नहीं पढ़ाते हैं। यू पीपल हैव नथिंग बेटर टू डू, एक्चुअली यू हैव नथिंग बेटर टू डू। शिकायतें जिनको हैं उनको
एक दिन पढ़ाने का चैलेंज देते हैं हम, एक पूरा दिन क्लासरूम में पढ़ाकर दिखाएं और हम नाकाबिल लोगों का मार्गदर्शन करें, हम आपकी समीक्षा करेंगे। अच्छा, ये जो आप लोग वीडियोस बनाते हैं, ये क्या क्या लगता है आप लोगों को कि जिसका मन करता है कोई भी आदमी औरत उठकर चला आता है और स्कूल में पढ़ाने लग जाता है कि मैं तो पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है, दिल्ली में सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब लगना बहुत ही डिफ़िकल्ट और लेंथी प्रोसेस होता है। एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। आईएएस का एग्ज़ाम हर साल होता है, लेकिन दिल्ली में टीचर का एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है। और डीपीएस मथुरा रोड से, एमिटी इंटरनेशनल से, बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल से जॉब छोड़कर टीचर हमारे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर जॉब मिलना आसान है, लेकिन हमारे यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग का, इसको हर कोई नहीं दे सकता है, वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने की पढ़ाई की है, स्पेसिफाइड कोर्सेज किए हैं। हाँ जी, पढ़ाई होती है टीचिंग के लिए, बीएड होती है, बीएलएड होती है, डाइट होती है, बीटीसी वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वो करने पड़ते हैं। उनमें टीचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनमें मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन पढ़ाया जाता है, उनमें करियर एंड गाइडेंस पढ़ाया जाता है, उनमें थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ाई जाती है। वी पीपल आर नॉट अमेटर्स, वी टीचर्स आर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, वी आर वेल क्वालिफाइड फॉर द वर्क वी डू। लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, वी हैव डन कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स, वी हैव पास्ड एग्जाम्स टू बी देयर वेयर वी आर। और कंटिन्यूसली हम लोगों की इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, सेमिनार्स होती रहती हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं। आप सब लोग जानते क्या हैं क्लासरूम टीचिंग के बारे में? क्या जानते हैं आप सब लोग? एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, टीचर उस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे पहले परिवार इसका हिस्सा है, शिक्षा घर से शुरू हो जाती है, समाज इस सिस्टम का हिस्सा है, परिवेश इस सिस्टम का हिस्सा है, आनुवंशिकता इस सिस्टम का हिस्सा है। माता पिता के जीन्स आते हैं बच्चे में, टीचर्स के नहीं आते हैं। सिलेबस इस सिस्टम का हिस्सा है, एजुकेशनल पॉलिसीज इस सिस्टम का हिस्सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिस्टम का हिस्सा है। हर फेलियर के लिए टीचर अकेला जिम्मेदार नहीं है। अरे, तुम्हें क्या फ्रस्ट्रेशन होती होगी सिस्टम से जो हमें होती है? हमारी इंटेग्रिटी, हमारी लॉयल्टी, हमारी कॉम्पिटेंसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है हर किसी को। यू पीपल स्पेयर अस फ्रॉम योर डर्टी पॉलिटिक्स। बहुत हो गया आप लोगों का। कितने ही सालों से शिक्षा व्यवस्था में दिक्कतें चली आ रही हैं, कितने ही सालों से। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम। वाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं हर साल वेकेंट पोस्ट पर रेगुलर टीचर्स की भर्ती होती है? क्यों पोस्ट वेकेंट रहती हैं? केवीज में हर साल एग्जाम होता है, यहाँ नहीं होता है। और अगर होता भी है तो कभी दो पोस्ट, कभी पांच पोस्ट, कोई नहीं पूछता। एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिले होते हैं, कोई नहीं पूछता। 2012 की वैकेंसीज 2017 में ज्वाइन करते हैं लोग, क्यों? कोई नहीं पूछता। टीचर्स को क्लरिकल काम में भी लगे रहना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं किसी को, कोई नहीं पूछता। क्यों, क्यों नहीं टीचर्स को एकेडमिक्स के लिए फ्री किया जाता है? क्यों नहीं कोई वीडियो बनाता कि मैडम और सर फीस ले रहे हैं, मैडम और सर फॉर्म भर रहे हैं, मैडम और सर एडमिशन कर रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई वीडियो बनाता कि स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली हैं ज़्यादातर जगह पर? अरे, कोई तो अहमियत होती होगी उस पोस्ट की। क्यों नहीं कोई स्टूडेंट टीचर रेशो की बात करता है? कुछ उस पर भी तो ध्यान दे लो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कोशिश हो रही है सिस्टम में, सुधार की कोशिशें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। हम लोग जो बच्चों से प्यार करते हैं उसकी कोई वीडियो नहीं बनाता, कभी उसकी कोई वीडियो वायरल नहीं होती है। सुबह को थोड़ा सा कुछ टिफिन में रखकर बिना नाश्ता पानी किए सुबह 7 बजे से पहले हम लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, और कभी कभी टिफिन का वो खाना भी प्रेयर में चक्कर खाकर गिरी हुई लड़की को खिला देते हैं। पूरा दिन भूखा रहकर काम करते हैं हम। स्कूल्स में कोई ऐसी चपरासी की, किसी क्लास 4th की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को भेज के कहीं से कुछ मंगा लो, या कोई कैंटीन है, या कोई चाय कॉफी का अरेंजमेंट है कि अगर घर से हम कुछ लेकर नहीं जा सके किसी दिन तो हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। फिर
पूरा दिन वैसे ही रहते हैं, और क्लासरूम से स्टाफ रूम तक आने में 7-8 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट्स की रिसेस होती है, उसी में सब खाना पीना है। ह्यूमन बींग्स तो हम भी हैं, नहीं है क्या? इन बच्चों के बिहेवियर में, इनकी सोच में जो सकारात्मक बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, सब परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बच्चों से एक रिश्ता बनाया हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है आपके पास चुकाने के लिए। और बात करते हैं आप लोग, अरे कितनी बार बच्चे अपने मम्मी पापा के ही टॉर्चर के शिकार होते हैं, कितनी बार हम उन बच्चों को बचाते हैं। पॉक्सो क्या होता है, बुलेइंग क्या होती है, हम लोगों ने कभी अपने बच्चों के लिए नहीं पढ़ा, पर अपने स्टूडेंट्स के लिए हम पढ़ते हैं, उनके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को। ऐसी बच्चियाँ आती हैं हमारे पास जिनकी कि मम्मियाँ उनको पूरा दिन काम में लगाए रखती हैं, बिना नाश्ता पानी के स्कूल में भेज देती हैं, और उन बच्चों के साथ हम काम करते हैं। बुखार में फ़ोन करो बच्चे के घर पे तो घर से फ़ोन आ जाता है पेरेंट्स का, कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं आने के लिए, आप पैदल भेज दीजिए, आ जाएगी। गरीबी भी है खैर, हम लोग अपनी गाड़ी में छोड़ कर आते हैं उनको, कई बार रिक्शा करके देते हैं, गार्ड को साथ भेजते हैं, उसके पैसे देते हैं हम लोग। आप लोग हमें बताएंगे कि जिम्मेदारी क्या चीज़ है, आप लोग हमें सिखाएंगे कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। किताबों के, यूनिफॉर्म के जो पैसे सरकार इनको देती है, कई बार पेरेंट्स घर पर ही खर्च कर देते हैं। अगेन वही गरीबी है, और कुछ लोगों को कुछ बड़े शौक होते हैं शराब वगैरह पीने के, उसमें खर्च कर देते हैं, और बच्चे बिना यूनिफॉर्म के बिना किताबों के स्कूल में आते रहते हैं। कितनी बार हम लोग बच्चों को अपनी पैसों से किताबें दिलवाते हैं, क्या ये कोई गाने की चीज़ें हैं? आप लोग क्या समझेंगे उस रिश्ते को जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है? वो रिश्ता बहुत पवित्र होता है, उस जज्बे को, उस बॉन्ड को आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोग तो गंदी राजनीति में लगे हुए हैं, क्या समझेंगे आप लोग? और आप लोग हैं कौन, कौन है आप लोग? एजुकेशन के फील्ड में आप लोगों के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? क्या काम किया है आपने शिक्षा के क्षेत्र में, दिखाइए आप जरा। और वकील साहब, आप तो अपने जुडिशरी के क्षेत्र में ही कर लीजिए रिफॉर्म, वहां करने के लिए इतना कुछ है, आदमी बच्चे से जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है न्याय के लिए इंतजार करता करता। वहां के करप्शन को आप सुधार लीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे तो वही देश की सच्ची सेवा हो जाएगी। हम टीचर्स को हमारे स्टूडेंट्स के साथ अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको कि ये पता नहीं होता है कि उनके बच्चे का स्कूल में नाम क्या है, उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, उसका सेक्शन क्या है, उसकी क्लास टीचर कौन है, उनको कुछ पता नहीं होता है। बच्चा कितने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, उनको नहीं पता होता है। लेकिन फोन लेकर वीडियो बनाना सब जानते हैं, अपने मम्मी पापा से इतना जुड़े नहीं होते हैं बच्चे जितना कि हम लोगों से जुड़ जाते हैं। हम लोगों को साथ साथ सीखने सिखाने दीजिए, हम टीचर्स को, हम बच्चों को साथ साथ सीखने सिखाने दीजिए, इस देश को आगे जाने दीजिए। प्लीज प्लीज स्पेयर अस फ्रॉम योर डर्टी पॉलिटिक्स, वी टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, पे रिस्पेक्ट टू अस, पे रिस्पेक्ट टू योर नेशन, पे रिस्पेक्ट टू योर कंट्री, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज।